अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, टॉपिक्स एंड डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज सेट 3.1 के क्वेश्चंस, जो कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि हम जो फंक्शन लिखते हैं y = f(x), इसमें y डिपेंडेंट है और x जो है वो इनडिपेंडेंट है। तो अगर आपके पास फंक्शन जो है, इक्वेशन जो है या एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में लिखा गया हो, ठीक है, कि y और x मिक्स्ड हो और y एक्सप्लिसिटली ना लिखा गया हो एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और इस तरह के फंक्शन को जिसमें y अलग हो और एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हो सेपरेटली, तो हम इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। तो हमने इम्प्लिसिटली डिफ्रेंशिएट करें इस तरह के फंक्शन को। तो पार्ट ए में कहते हैं कि आप एक तो इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद पार्ट बी में कहते हैं कि उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखें और फिर उसको डिफरेंशिएट करें और फिर देखें पार्ट सी में कि दोनों का आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन वन में आपको दिया हुआ है x प्लस एक्स वाई माइनस टू एक्स टू द पावर 3 = 2। इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएटिंग मीन्स कि आप दोनों साइड पर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। अब x और फिर y है, इट्स अ प्रोडक्ट, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। x फर्स्ट वन एज इट इज, सेकेंड का हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, अब सेकेंड वन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव वो क्या है, 1 हमने ले लिया। और फिर माइनस टू एक्स टू द पावर 3 है, उसका डेरिवेटिव लेंगे, 3 पावर है फ्रंट पे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये एज इट इज आ जाएगा, ये वाई बन जाएगा, ये दिस। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर रहने दें, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले जाएं और दोनों साइड पे एक्स से डिवाइड कर दें, तो यू गेट डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इम्प्लिसिटली और हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। अब यही चीज़ हमने करनी है एक्सप्लिसिटली के लिए, दैट मीन्स कि इसमें से हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, y को अकेला करने, बाकी सबको दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके गए, यहाँ पे x y है, अब यहाँ से x कैसे खत्म होगा, जब दोनों साइड पे x से डिवाइड कर देंगे, x से डिवाइड किया तो ये 2/x, ये क्यूब है, जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये x एक के साथ कट जाएगा, ठीक है, जब एक के साथ कट जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, स्क्वायर, और x डिवाइड बाई x क्या देता है आपको 1, तो ये 1 हो गया। तो ये जब आपने x दोनों साइड इसको x से डिवाइड किया दोनों साइड्स पे, अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने पहले वीडियो में बात की थी कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में x आ जाए तो आपने उसकी जो भी पावर होती है उसको आपने माइनस वो लिख देना है और उसकी पावर में उसको एक एक्स ऐड कर देना है, तो 1 + 2। देखिए ये वही चीज़ की हुई है, इसको हम लिख सकते हैं -1, तो पावर फ्रंट पे आ जाएगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -2, और पावर में से एक माइनस कर देंगे तो x^-2, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव ये और 1 का डेरिवेटिव 0, तो लिखते नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं -2/x² और ये 4x। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, इसको हम थोड़ा सा पार्ट सी में देख लेते हैं। हमारे पास डी वाई डी एक्स ये लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से जो आया हुआ था इम्प्लिसिट से, इसको अगर हम एक्स को डिवाइड कर दें दोनों के ऊपर, 6x² / x हो गया, -1/x और y/x, सबको हमने क्या कर दिया, उसका जो एलसीएम था ये वाला, इसका एलसीएम ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6x, यहाँ से -1/x और यहाँ से ये -1/x बाहर निकाल देता हूँ, और y की जगह पे हमें एक्सप्लिसिट वैल्यू निकाली हुई है y की, जो कि ये है। अगर ये मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ, इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, ये बन जाएगा -2/x², ये माइनस और ये प्लस, बिकम्स -1/x, x² के साथ कट जाएगा तो -2x रह जाएगा, और -(-+1/x). अब एक है -1/x और दूसरा है +1/x, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये +6 है, ये -2x है,
प्लस सिक्स एक्स माइनस टू गिव्स अस 4x और ये एजिट इज। तो आप देखें कि ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो अल्टीमेटली चाहे आप एक्सप्लिसिटली लें या इम्प्लिसिटली लें, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव सेम आएगा। इसी तरह कुछ में थोड़ा सा डिफरेंट होगा पॉइंट्स के लिहाज से, प्लस माइनस का वो भी आगे आ जाएगा। क्वेश्चन टू में इम्प्लिसिटली दोनों सेट पर डिफरेंशिएट किया डेरिवेटिवली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपके पास ये वाली चीज़ हो तो हम इसको स्ट्रेट अवे लिख देते हैं ये, और फिर इनसाइड जो भी इसका फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो इसका वन आता है, इसीलिए लिखते नहीं है इसका, इस तरह लिख देते हैं। अब अगर ये स्क्वायर रूट वाई है तो इसका डेरिवेटिव ये, और फिर इनसाइड का डेरिवेटिव ये आ गया, साइन का डेरिवेटिव कोस और इसका जीरो। डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ रहने दिया, बाकी टर्म को दूसरी साइड पर ले गए। सो दिस इज आवर डेरिवेटिव इम्प्लिसिटली। अब एक्सप्लिसिटली हमने वाई की वैल्यू निकाली है दोनों साइड पे, स्क्वायर लिया तो ये फंक्शन बन गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे और फ्रंट पे आ गया, फॉर में से एक माइनस कर दिया और इनसाइड का डेरिवेटिव विच इज कॉस। तो अब ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है किसकी इक्वल होती है, स्क्वायर रूट वाई के, उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। देखिए दोनों सेम ही है, जो पार्ट सी में उन्होंने पूछा है तो दोनों सेम ही है। थ्री सेट पर वापस डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना इम्प्लिसिटली, तो ये आपको फंक्शन के बने दोनों साइड पर डी वाई बाई डी एक्स लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, वाई स्क्वायर का टू वाई, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इसका जीरो आ गया। इसको यहाँ रहने दें, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो हो जाएगा माइनस टू एक्स, और टू वाई से डिवाइड कर दें फिर दो कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा। इम्प्लिसिटली एक्स क्यूब का वाई क्यूब का डिवाइड बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, थ्री टाइम्स एक्स का डेरिवेटिव लिया, वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, फिर थ्री एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव टू वाई, और फिर डी वाई बाई डी एक्स, ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ गया। अब इसको इस तरफ लेके जाएं और उसको इस तरफ लेके आए तो ये बन जाएगा आपका थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस सिक्स एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या चीज़ बचेगी, ये वाली, दैट मीन्स फिर डी वाई बाई डी एक्स थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इसमें से देखें ऊपर वाले में थ्री कॉमन है तो सबका थ्री कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। फोर में अगेन डिफरेंशिएट किया दोनों सेट्स में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाया, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगाया, ये होगा आपका डी एक्स, इसका वन आ गया और इसका जीरो आ गया। दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये बच गया, इस वाले में से ये बच गया, और बाकी सब टर्म्स को हम दूसरी साइड पे ले गए। अब इस दूसरी ये मल्टीप्लाई हो रहा दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आपका डेरिवेटिव आ जाता। अगेन दोनों साइड पर डिफ्रेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगाया, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगाया, इसका डेरिवेटिव वन आ गया, इसका जीरो। अगेन जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है वो कॉमन ले लिया तो ये बच गया, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड पे ले गए और इसको दूसरी साइड पे ला के डिवाइड कर दिया। अगेन दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट किया, स्क्वायर रूट नीचे है तो आप इसका डेरिवेटिव एक्स पावर माइनस वन ओवर टू एक्चुअली, और वाई पावर माइनस वन ओवर टू, इसका डेरिवेटिव लें, पावर फ्रंट पे आ जाएगा ये, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो माइनस थ्री ओवर टू आ जाएगा, वो नीचे जाएगा तो प्लस थ्री ओवर टू हो जाएगा। इसी तरह इसका डेरिवेटिव माइनस वन ओवर टू, ठीक है, उसके बाद पावर में से एक माइनस कर देंगे तो ये माइनस थ्री ओवर टू आ जाएगा, नीचे जाके पॉजिटिव थ्री ओवर टू हो जाएगा। तो फिर हम इन साइड वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि एक एक्स के इन साइड का डेरिवेटिव वन आता है इसीलिए वो लिखते नहीं है, लेकिन वाई का वन नहीं आता इसीलिए वो यहाँ पे लिख दिया और ये एज इट इज आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ रहने दें, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा,
टू माइनस टू, तो ये बन जाएगा प्लस, यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ क्या प्लस हो जाएगा, वन ओवर टू एक्स टू द पावर थ्री ओवर टू, और यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये वाला सारा का सारा टू वाई थ्री ओवर टू, यहाँ माइनस रह जाएगा, ये वाला माइनस जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, टू टू के साथ कैंसिल, आपके पास ये चीज रह जाएगी। एट में अगेन डेरिवेटिव लिया, क्वेश्चन रूल लगाया, ठीक है डी बाई डी एक्स यहाँ पर रह गया, ठीक है इसको इस तरफ लेके जाए और डी बाई डी एक्स के टू एक्स से डिवाइड कर दें, तो टू एक्स से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी टू था यहाँ पे भी टू था, इनको कॉमन लिया तो इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, आई होप यू कैन डू दैट। इसमें अगेन डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड्स पे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, और फिर इन साइड ये है फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उसका हमने जब डेरिवेटिव लेना हो तो प्रोडक्ट रूल यूज किया और इसका डेरिवेटिव वन। अब इसको वन से इसको इधर लें, ठीक है साथ में ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन गया वन माइनस, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रह जाएगा, तो जब ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सादा सिंप्लीफिकेशन है, आई थिंक इज ईजी टू डू। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर इन साइड का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी, इसके साथ भी, इस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही करना था। इसमें आप अगर डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ रहने दें, इस वाले को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस की बजाय प्लस साइन एक्स वाई स्क्वायर और टू एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है डी वाई बाई डी एक्स। इसमें से अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है इसमें से कॉमन ले लें, हो जाएगा वन टू एक्स वाई साइन एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, और इस तरफ ये रह जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस तरह ये लिखा हुआ है, इसको आप इधर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये वहां जाएगा तो प्लस हो गया, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ये, और वो ये माइनस यहाँ वाला माइनस है यहाँ पे ऊपर लिख दिया। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, टेन क्यूब क्वेश्चन 11 में, ये टेन होल्ड द पावर थ्री होता है, पावर फ्रंट पे आ गया, पावर में से एक माइनस हो गया, फिर टेन का डेरिवेटिव इनसाइड का वो क्या है सीकेंट स्क्वायर, फिर सीकेंट स्क्वायर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से किया और इसका वन आ गया। अब अगेन जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है उनको रहने दें, बाकियों को दूसरी साइड पर लेके जाए, ठीक है इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें और बाकी सबको दूसरी साइड पे कर दें, तो ये गेट द सिंप्लीफिकेशन। अच्छा क्वेश्चन 12 में आपने क्या किया कि आपने इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, इसके ऊपर सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई की, ठीक है और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो जब इस चीज को दूसरी साइड पे लेके जाए तो ये हो जाएगा आप वन प्लस सेकेंड वाई होल स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा। अब इसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है और इसको भी इस तरफ ले। अब जहाँ एक दो और तीन, तीन जगहों पर डी वाई बाई डी एक्स है वो कॉमन ले लें, जो चीज़ें बच जाती है जिसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है तो वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे क्यूब भी आएगा
वो फिर आगे नीचे कैंसलेशन हो जाएगी। अब इसमें से जब आप डी बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं आपके पास बचेगा 4y³, ये वाला, इस वाले में से क्या बचेगा माइनस थ्री एक्स, सॉरी ये माइनस आएगा पहले xy³ secant 10 और इस वाले में से क्या आएगा 1 + secant 3xy² देखें इन सब में y स्क्वायर है और ऊपर y क्यूब है, इसमें क्यूब नहीं है इसीलिए स्क्वायर को इसके साथ काट देते हैं, इसके स्क्वायर को इसके साथ और इसके स्क्वायर को इसके साथ, आपके पास आखिर में ये चीज बच जाती है। ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए ये वाली चीज यहाँ पे नेगेटिव है। 13 to 18 में आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, इम्प्लिसिटली फंक्शन आपको गिवन है, एक दफा डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव ये, इसका ये और इसका जीरो, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये गेट दिस थिंग। अब इसको इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको क्वेश्चन रूल लगाना है, आप अगर इसका नहीं लेना चाहते तो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी एक दफा हुआ है इम्प्लिसिटली, इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। ठीक है, और 6y का डेरिवेटिव ये आ गया dy/dx एज इट इज, y का डेरिवेटिव लिया और dy/dx एज इट इज, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और 6y एज इट इज और इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो ये हो जाता है। ठीक है, अब दोनों में से dy/dx या d²y/dx² कॉमन लिया, सॉरी इन दोनों में फर्क है, dy/dx होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू d²y/dx। ठीक है, इसको यहां रहने दिया, इसको दूसरी साइड पे ले गए, ये आ जाएगा 4 और 6, ये चीज यहां पे आ गई। ठीक है, और आखिर में हम इससे डिवाइड कर देते हैं, फिर जो 2 3 जो है यहाँ पे 6 है तो इसका 2 कैंसिल हो जाता है इसके साथ और इसके साथ, इसीलिए आपके पास ये सिंप्लीफाइड आ जाता है, एंड देन यू कैन सी आपके पास इसका सोल्यूशन ऑलरेडी है, तो वो आप पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर दें। 14 में अगेन एक दफा डेरिवेटिव लिया, सिंप्लीफाई कर दें, क्वेश्चन रूल लगा दें या इसके ऊपर अप्लाई कर दें, ये क्वेश्चन रूल लगा दिया, इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें, वो सब्स्टिट्यूट कर दें और सिंप्लीफाई कर दें। 15 में अगेन डेरिवेटिव लिया दोनों साइड्स पे, सिंप्लीफाई किया, 3 3 कैंसिल, ये क्यूब स्क्वायर के साथ कैंसिल तो आपके पास सिर्फ y रह जाएगा, ये स्क्वायर क्यूब के साथ कैंसिल तो आपके पास सिर्फ x रह जाएगा, इसका आप डेरिवेटिव ले लें सिंपल। 16 में अगेन दोनों साइड पर डेरिवेटिव लिया सिंपल, ये आ गया, अब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव दोबारा अप्लाई कर दें या इसके ऊपर दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, हमने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ, यहाँ पे d²y/dx स्क्वायर है और यहाँ पे कॉमन लिया, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले गए, 2dy/dx -2dy/dx होल स्क्वायर, इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें dy/2 तो ये आ जाएगा और जो चीज बचेगी वो ये होगी x + 2y, उसको उधर से डिवाइड कर दिया, अब इसकी हमें वैल्यू पता है, इसकी हमें वैल्यू पता है, व्हिच इज दिस वन, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें
एलसीएम ले दें, सिंपलीफाई कर दें, एट द एंड यू वुड गेट दिस थिंग। 17 में डेरिवेटिव लिया, दोनों साइड्स पे सिंपलीफाई किया, दोबारा डेरिवेटिव लिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू वाई, डेरिवेटिव लिया एक दफा, सिंपलीफाई किया, अब दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे बाय क्वेश्चन टूल, क्वेश्चन टूल से सिंपलीफाई किया, डेरिवेटिव लिया, फिर सिंपलीफाई किया। ये जो चीज़ है अगर आप ना भी कर दें तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। ये वैल्यू हमें पता है एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू वाई, ये चीज इस साइन 2y के इक्वल है, और ये आइडेंटिटी हमें पता है किसके इक्वल है, तो वो आप वैल्यूज पुट कर दें एंड यू गेट द आंसर। देयर इज नो टू ओवर हियर, ठीक है, दिस इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। 19 और 20 में आपसे कहा गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा इम्प्लिसिट का और एक्सप्लिसिट का। तो ये फंक्शन गिवन है, इन पॉइंट्स के ऊपर हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, मींस डेरिवेटिव एट दीज पॉइंट्स। उसने कहा कि पहले इम्प्लिसिटली फाइंड करें, एक्सप्लिसिटली फिर इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मींस हमने इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख दिया, तो यह आ जाता है प्लस माइनस में, तो प्लस का डेरिवेटिव लेंगे तो वही आ जाता है, और माइनस के साथ का डेरिवेटिव लें तो ये आ जाता है। अब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स है, ठीक है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, वाई का मतलब है यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो सकता है लेकिन वाई नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये देखें, इसमें वाई पॉजिटिव है, इसमें वाई नेगेटिव है, तो हम ये वाला नहीं यूज कर सकते, इसलिए हमने ये वाला पॉइंट यूज किया, यही आंसर आ गया। अब इस वाले में y नेगेटिव है तो ये ऊपर वाला नहीं हो सकता, नीचे होगा, नीचे के लिए कौन सा पॉइंट है, ये नेगेटिव है, तो वो पॉइंट पुट किया, यही आंसर आ गया। अब यही हमने इम्प्लिसिटली के लिए देखना है, इम्प्लिसिटली जब डिफ्रेंशिएट किया, सिंप्लीफाई किया, यू गेट दिस थिंग, देयर इज अ नेगेटिव हियर, ठीक है। जब हम ये वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, वी गेट दिस थिंग विच इज एग्जैक्टली द सेम एज हियर, और जब हम ये पॉइंट पुट करते हैं सेम ही डेरिवेटिव के अंदर, तो हमें ये वाला आंसर देता है, ठीक। तो ये एक फर्क है एक्सप्लिसिट का और इम्प्लिसिट का, इसमें हमने देखना होता कि कौन सा पॉइंट पुट करना है, ठीक है, कौन सा वाला डेरिवेटिव में कौन सा पॉइंट पुट करना है। इस वाले में आप ये पॉइंट नहीं पुट कर सकते, ठीक है, लेकिन इसमें देख के इसमें आप दोनों पॉइंट पुट कर सकते हैं इम्प्लिसिटली में, तो इम्प्लिसिटली का ये भी एक फायदा है। लास्ट क्वेश्चन इज फंक्शन गिवन है और इन दो पॉइंट्स पे करना है, तो ये अगेन एक्सप्लिसिट हमने निकाल दिया उसका, वाई नेगेटिव में आप वाई नेगेटिव पॉइंट पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लिया, वाई नेगेटिव में ये वाला नेगेटिव पॉइंट करेंगे, वाई जिसका पॉजिटिव है उसमें ये पॉजिटिव वाला पुट करेंगे, आंसर ये आएंगे ये स्लोप से, और इम्प्लिसिटली जब हमने कर दिया सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब इसमें हम दोनों पॉइंट पुट करते हैं, इसमें जब हम वाई को, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वाई को 3 ये वाला पॉइंट करते हैं तो 1 और 6 आता है, और जब माइनस पुट करते हैं तब ये आता है, तो आंसर सेम ही आते हैं, बस डिफरेंस ये है कि इम्प्लिसिट में आपने पॉइंट्स को चूज करना है कि किस वाले को कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, और इसमें आप उसी डेरिवेटिव के अंदर कोई सा भी पॉइंट पुट करो आपको आंसर इन्हीं की तरह आएगा। थैंक यू।